गले में भगवा डालकर केजरीवाल ने पूरे बेंगलुरु में मचा दिया तहलका। वीडियो देख मोदी और शाह के छूटे पसीने। जहां आपको बताया चले कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी एकता की मीटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि आज देर शाम तक समाप्त हो जाएगा। इसमें तमाम विपक्षी दल मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु भी पहुँच चुके हैं। अब इसी बीच केजरीवाल का एक धमाकेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब केजरीवाल बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो उनका स्वागत स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा भगवा उड़ाकर किया जाता है, जिसके बाद केजरीवाल भी अपने कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार करते हैं। बताया चले कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बेंगलुरु में विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल होने के लिए देर शाम बेंगलुरु पहुंचे, जहां पर वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ आज बात करें तो एनडीए की तरफ से भी एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें करीब 38 से 40 दल जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा बेंगलुरु में विपक्षी एकता की मीटिंग रखी गई, जिसमें करीब 26 से 30 दल बेंगलुरु में जुटे, जिसके बाद भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताया चले कि आज आने वाले समय में और भी कई दल ऐसे जो कांग्रेस के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में कदम से कदम मिलाकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर केजरीवाल का भगवा उड़ाकर स्वागत किया गया है, जिस वीडियो को देखकर पूरा देश और दुनिया दंग और हैरान रह गया है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।